बोले बागेश्वर धाम की जय, बागेश्वर धाम की जय, सद्गुरु सन्यासी बाबा की जय। जिनकी भी अर्जी लगती जाए वो कृपया पर्चा संभाल के रखें। माइक लीजिए भाई। कहाँ से? गंज वासुदा की स्वरूप नगर बैतोली। स्वरूप नगर बैतोली गंज वासुदा। गंज वासुदा भोपाल वाला जी? नहीं, विदिशा से। विदिशा के पास में। पूछिए। ये बिटिया का है सर, चल नहीं पाती। अरे राम, बहुत परेशान है। आपका नाम कौन है? ब्रजेंद्र सिंह राजपूत। अच्छा, पढ़े लिखे हैं? हाँ, इंजीनियर हूँ मैं। इंजीनियर हूँ। आप मानते हैं कोई बिफोर टाइम लिख सकता है? पहले से लिख सकता है, आप ऐसा मानते हो? नहीं मानते, लेकिन तुम्हारे संगे तो हो गो। आपकी कृपा से? नहीं, हमारी कृपा नहीं, तुम्हारे संगे हो गो। तुम्हारे संगे तो हो गो। आ जा पढ़ पे, या तो इंजीनियर है, मुंह रखना। पीछे बैठो, पीछे बैठो, इन्हें पीछे करो, नहीं तो हम बंटाल से बाहर करवाएंगे। हमें सब भूत पतो हैं, कौन से तुम्हें भूत लगे? पगला नहीं बैठे, हम आदमी हैं। चरा नजदीक आओ। बेटी को शरीर में दिक्कत है, पैरों में शिथिलता है, चलने में परेशानी बनती, शरीर में ताकत नहीं है, दोनों पैरों में दिक्कत है। धीरे धीरे लाभ लगेगा, समय जरूर लगेगा। 2023 14 मार्च से आराम प्रारंभ होगा। आपकी बेटी है, आप विजेंद्र हैं। हनुमान जी महाराज की जय। आप तो एक इंजीनियर है, क्या पर्चा यही बोल रहा? बिल्कुल सही है, यही बोल रहा। बिल्कुल आराम लगेगा, कृपा होगी, आशीर्वाद। धाम की पेशी करनी है, पेशी करोगे कृपा होगी। भभूति की मालिश दोनों पैरों में करनी है, चूंकि नसें इनकी सिकुड़ी हुई है, बच्ची की नसों में दिक्कत है, इसलिए ताकत नहीं ले पाते हैं और कमजोर है। धाम की पेशी करें, वहां से औषधि मिलेगी। 5 मंगलवार झाड़ा लगवाना है, बालाजी पूछ घुमाएंगे, आशीर्वाद। अंगला, दो माताजी आई थी, कहां से आए हैं? यहीं आसपास है क्या? माइक लीजिए पहले तो आप। आप बागेश्वर धाम हुआ है जी? हमसे मिल चुके हैं? नहीं, आप हटा गए थे। अच्छा, कथा में गए थे तो हटा नहीं गए? हटा हटा तो आप नहीं गए? नहीं, आप गए थे पंडित जी। क्या बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकते जी? कोई बात नहीं, चलो। हनुमान जी ने अच्छी सुनी तुम्हारी। नजदीक आइए। नहीं, और नजदीक आ जाए। बोलिए क्या बात? और हमने लिखा, घर में उपद्रव मचा, स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, अस्वस्थता रहती, पत्नी पर कृपा होगी। विगत 2017 से दिक्कत बनी हुई है। माइक लीजिए। हाँ या ना? भूत बाधा का कारण है, शरीर में कंपन होता, कृपा होगी, पूर्ण आराम धाम से लगेगा, आशीर्वाद। बहुत सच्चे दरबार की जय हो। आपका पर्चा यही बोल रहा, यही पूछने आए? बिल्कुल। धाम की पेशी करें, बागेश्वर बालाजी कृपा करें, आशीर्वाद। बिल्कुल नहीं, तंत्रवादा घर पर की गई, जो आप पर प्रभाव है। पूरे शरीर में दिक्कत बनाता है, जकड़न बनाता है, बोझ बनाता है, और जो है गले को पकड़ता है तो श्वास घुटती है। माइक लिए रहिए आप, ऐसा नहीं, श्वास घुटती है। कई जगहों पर आपने दिखवा लिया, उतारा विधि भी आपने करवाई है, एक गलत तांत्रिक के चक्कर में भी आप फंस गए थे जिस कारण से आपको जो है दो प्रकारों से घाटा खाना पड़ा है। जी, जी। तंत्र विद्या परिवार जनों द्वारा करवाई गई है। तांत्रिक का नाम वैसे तो जो है नन्नू नन्नू कहते हैं, पर उसका पूरा नाम राम कुमार है। तंत्र विद्या जो है प्रेत बाधा इनके ऊपर शमशानी है, शरीर का बोझ बना करके माइंड को पकड़ता है, वह गलत आचरण करवा करके जो है वह हत्या करवाना चाहता है। जी जी, बाबूजी ये परिवार हमारी परिवार भगवान जाने। जी जी जी,
भगवान जाने। ठीक है भाऊजी, तो वो मंगलवार की प्रेतराज सरकार में जी दोनों पहुंचिएगा। थोड़ी सी इनकी बुद्धि भी विचित्र है। ठीक, बालाजी कृपा करेंगे, आशीर्वाद। धाम के प्रेतराज सरकार के दरबार में पहुंचिए, पेशी करें, हम सेना भेज देंगे, हनुमान जी दया करेंगे, बुद्धि ठीक रखेंगे, नाम जप कीजिए। भगवान नाम जितना जप ज्यादा करेंगे हनुमान जी उतनी कृपा करेंगे। नियम ना करो तो ना हम भगवान है ना आप इतने बड़े बारे निकल जाए। बोली बागेश्वर धाम सरकार की। क्या नाम है? अरे पाओ बल्ले। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। चलिए अब आ जाएं, जो पीली टी शर्ट वाला बालक खड़ा आपके आगे जो बैठा हुआ है बेटा, हाँ आपके आगे जो बैठा है ना, भेज दीजिए।